नवीन और अब इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। साल 2022 के शुरुआत में ही देश के 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव तो देश के अलग अलग राज्यों में होने ही हैं, पर चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। इसके साथ ही तमाम बड़ी पार्टियां इसी विधानसभा चुनाव पर नजर लगाए हुए है। इस बार का यूपी विधानसभा आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। वैसे तो कहा जाता रहा है कि महिलाओं की भागीदारी अब हर क्षेत्र में है और अब महिलाएं हमारी आधी आबादी का हिस्सा हो चुकी हैं। इस बार का यूपी चुनाव क्यों महिलाओं के लिए खास माना जा रहा है, क्यों अलग अलग दलों के लिए इस बार का यूपी चुनाव अहम होता नजर आ रहा है और क्यों कांग्रेस के साथ साथ प्रियंका गांधी भी इस बार इस यूपी चुनाव में चर्चा में बनी हुई है। यूपी चुनाव और आधी आबादी का राजनीतिक में हिस्सेदारी पर द इंडिया टॉप की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही जा रही है। जी हां, प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं के नाम को लेकर ऐलान कर दिया है। पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। आधी आबादी को 33% आरक्षण का वादा भी संसद के देश में चल रहा है। 2 दशकों से ये चल रहा है, पर खेल इस बात का है कि आज तक महिला आरक्षण बिल संसद में कानून की शक्ल नहीं ले पाया है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर इस मुद्दे को और भी बढ़ा दिया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। फिलहाल प्रियंका गांधी भारतीय राजनीतिक में इतिहास रचने जा रही हैं, क्योंकि देश में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। कांग्रेस यूपी की 403 सीटों में से 161 सीटों पर कांग्रेस महिला कैंडिडेट उतारने जा रही है। आपको बता दें कि इस ऐलान के साथ ही प्रियंका गांधी यूपी की पोस्टर वुमेन भी बन गई है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नारा भी दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये नारा अब यूपी चुनाव का ट्रंप कार्ड भी माना जा रहा है। इस ऐलान के साथ ही अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये चुनाव कुछ चुनौतीपूर्ण भरा होने वाला है। ऐसा क्यों है आप समझ सकते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र मांगे हैं, 15 नवंबर तक आवेदन खुला रहेगा। प्रियंका ने आगे कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती, अगली बार हो भी सकता है कि ये नंबर बढ़ जाए। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। अगर हम 2017 के यूपी चुनाव की बात करें तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में साथ खड़ा था। आपको बता दें कि आज महिलाओं की बात करने वाली कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में अपने कोटे के 114 सीटों में से 11 महिलाओं को टिकट दिया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा 384 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 महिला उम्मीदवार उतारे थे। सपा ने 33 और बसपा ने 19 महिलाओं को टिकट दिया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 38 महिला विधायक चुनी गई थी। इसमें से 32 भाजपा से जीत कराई थी, कांग्रेस और सपा से 2-2 महिलाएं जीती थी। सपा और बसपा दल से 1-1 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी। आपको बताते चले कि पुनिया ने 2 दिन पहले ही ये जिक्र किया था कि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी ही फेस होगी। उनका कहना था कि वह राज्य में हमारी सबसे बड़ी नेता है। अब इसके 2 दिन बाद ही प्रियंका ने यह फैसला लिया है। इससे साफ होता नजर आ रहा है कि इस बार यूपी में कांग्रेस सब कुछ झोंकने जा रही है। आपको बता दें कि प्रेस में प्रियंका गांधी ने लड़कियों को लेकर कई बातें कही। अब ये नारा यूपी चुनाव में क्या रंग लाने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चले कि आधी आबादी की बात करने वाली ये पार्टियां केवल अब तक 11% ही महिलाएं पार्टी शामिल है। लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। आपको बता दें कि 2019 आम चुनाव में 78 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची हैं। लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं। इस लिहाज से संसद में कुल सदस्यों में महिलाओं का आंकड़ा महज 14% है। इसमें से सबसे ज्यादा 11 सदस्य यूपी और बंगाल से हैं। पिछले आम चुनाव में देश भर में 724 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। इसमें से 54 कांग्रेस से, 53 भाजपा से थी। 1952 के बाद पहली बार 14 महिलाएं 17वीं लोकसभा संसद में चुनी गई हैं। आप आधी आबादी की राजनीति हिस्सेदारी पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी है।
ऐसे ही तमाम नए अपडेट्स के लिए बने रहिए द इंडिया टॉक के साथ। धन्यवाद।